Assalamu alaikum everyone, it's Vivek Kumar here. I am a graphic designer and I have more than 1 year experience in this field. And currently I am working as a consultant at Techzone IT Institute, Shara Faisal branch. To further include, मैं आपको बताता चलूँ, इस कोर्स में आप Adobe Illustrator, Adobe Photoshop और Adobe XD सीखेंगे. Thank you. Assalamu alaikum students, it's Vivek Kumar here. Hope you all are good. आज हमारे social media course जाने की first class है. इस क्लास में हम सोशल मीडिया पोस्ट किस मेथड पे तैयार की जाती है वो सीखेंगे. सिंपली मैंने यहाँ पे आके एडोब इलस्ट्रेटर ऑन किया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आके क्रिएट न्यू पे गए. सिंपली आर्ट एंड इलस्ट्रेशन यहाँ पे आके पेज का नाम मैंने लिख दूंगा 123. देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे आके पिक्सल सेलेक्ट करूँगा और इसकी वेदर हाइट होगा 1200 पिक्सल्स, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट स्टैंडर्ड साइज 1200 पिक्सल्स होता है. देन उसके बाद यहाँ पे आता है एडवांस ऑप्शन. एडवांस ऑप्शन में मैंने आके कलर मोड RGB सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद रेजोल्यूशन 300 PPI सेट कर ली. सिंपली मैंने यहाँ से कर दिया क्रिएट. बहुत ईजी मेथड से मैं अपने आर्टबोर्ड पे आ गया. अच्छा, आर्टबोर्ड पे आके सिंपली अच्छा ये जो पोस्ट है मैं बिल्कुल बेसिक शेप से स्टार्ट लूँगा. कोई इसमें एडवांस ऑप्शन कमांड या यूज़ नहीं होगी. ठीक है, हम इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे. सिंपली ये मेरा सिलेक्शन टूल, यहाँ पे आके मैं एक एलिप्स सिलेक्ट करूँगा लाइक सर्कल. शिफ्ट को होल्ड रखते हुए मैंने एक सर्कल बनाया. इसको मैं कुछ इस टाइप का कलर देता हूँ. और उसके बाद मैंने इसको अलाइन टूल से इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F7 अलाइन टूल की. इसको मैंने यहाँ से अलाइन टू आउटपुट करा और इसको बिल्कुल सेंटर पे बैठा दिया इस मेथड से. देन उसके बाद इधर मैं लगाऊंगा टेक्सचर का लोगो. टैगजोन को लोगो लगाने के बाद मैं इधर एक और सर्कल बनाऊंगा, इसको भी मैं अलाइन कर दूंगा. अलाइन टू आर्टबोर्ड का मतलब होता है कि जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारा आर्टबोर्ड पे फिट हो. अब मैं करूंगा अलाइन टू सिलेक्शन. अब ये देखो इस तरह. देन उसके बाद मैं दोबारा एक और एलिप्स बनाऊंगा बहुत ईजी मेथड है. शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैंने एक सर्कल बनाया. उसके बाद मैं प्रेस करूंगा टी. टी से मेरे पास आ जाएगा टाइप टू. टाइप टू पे जस्ट मैंने क्लिक करा है. उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कोर्स का नाम ग्राफिक डिजाइनिंग और उसके बाद अलाइन टूल को करता हूँ मैं बंद. इधर आके मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा. कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट टाइप पैनल कहेंगे सब. टाइप पैनल आ जाएगा. उसके बाद इधर आके सिंपली मैंने शो ऑप्शंस करा और यहाँ से ऑल कैपिटल. डन. उसके बाद पैराग्राफ से इसको यूं सेट कर दिया. उसके बाद इसको कर रहा हूँ मैं इसको भी अलाइन. इसको अलाइन करने के बाद मैं इसको करता हूँ आर्टबोर्ड पे अलाइन. क्लियर. अच्छा, इसकी मैंने ऑल्ट को होल्ड रखते हुए कॉपी दी. देखिए सिंपल है बिल्कुल. ऑल्ट को होल्ड रखा, इधर मेरा कर्सर डबल हो गया. ऑल्ट को होल्ड रखते हुए मैंने इसकी कॉपी ली और पिंक कलर की लाइन मुझे गाइड करी है, जो कि स्मार्ट गाइड्स कहलाती है. स्मार्ट गाइड्स कैसे आती है, व्यूज पे आके ये रहा स्मार्ट गाइड्स. शॉर्ट की इसकी कंट्रोल यू. ठीक है, देन इसके बाद मैं करता हूँ दोनों को सिलेक्ट. सिंपली एक को सिलेक्ट करा और शिफ्ट को होल्ड रखते हुए दूसरे को. ठीक है, और उसकी मैंने बनाई एक और कॉपी. कॉपी मैं यू भी ले सकता हूँ. और उसका दूसरा मेथड क्या है, कंट्रोल सी एफ. कंट्रोल सी एफ से क्या था,
कंट्रोल सी एफ से मेरा मेरी जो कॉपी है वो बिल्कुल इसी के ऊपर हो गई। कंट्रोल सी एफ का मतलब है क्लोज। इसके ऊपर मेरी क्लोन बन गई, ठीक है। कुछ इस तरह इसको मैं रोटेट कर देता हूँ और इसको भी रोटेट। देन उसके बाद दोबारा मैंने इसकी क्लोन बनाई कंट्रोल सी एफ और कुछ इस तरह दोबारा इसकी क्लोन बनाई और यही हो गया। क्लियर है? देन उसके बाद इसको पकड़ा मैंने और उसको पकड़ा, शिफ्ट को होल्ड रखते हुए दोनों को मैंने स्ट्रेट कर दिया बिल्कुल। एंड अब भी मैनुअली एक एक कर लेते हैं। हाँ सो गाइस ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैं इधर बनाता हूँ एक एरो जो कि टैंगजोन को लोगो एरो इस तरह से बने। कुछ सिंपली मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करा। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद मैंने कुछ इस तरह की एक शेप बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके पॉलीगन टूल से एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनाने के बाद बस देखो मेरा एरो कुछ इस तरह बनेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर आके एंकर पॉइंट प्लस करूँगा। वो कैसे? ऐड एंकर पॉइंट, यहाँ पे आके एडिट टूल बार में आ गया। इधर आके ये रहा एड एंकर पॉइंट, इसको मैं ट्रैक करके इधर ले आया। देन उसके बाद यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। सिंपल कुछ ये था। और इसको भी मैं सिंपली अलाइन कर दूंगा। सिलेक्शन ली और अलाइन कर दिया। अलाइन से खराब हो गया तो थोड़ा सा मैनुअली मैंने कुछ कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने करा शेप बिल्डर अप्लाई। शेप बिल्डर हमारी शेप को बिल्ड करता है। देखें सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट करा और टू कुछ इस तरह। फिर उसके बाद मैं अपने एरो को इधर ले आता हूँ। इधर लाया और डन। इसको भी मैं अलाइन से कुछ इस तरह। उसके बाद अब मैं इसकी कॉपी चाह रहा हूँ। राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट प्रीव्यू ऑन करके देख लेते हैं। एक सेकेंड मैं यहाँ पे आऊंगा, राइट क्लिक रिफ्लेक्ट प्रीव्यू ऑन करा। अच्छा यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करा और कॉपी कुछ इस तरह से मेरे पास कॉपी जनरेट हो गई इसकी। सिंपली जैसे मेरे पास कॉपी आई है उसी की तरह जितना डिस्टेंस इधर दिया है इतना ही इधर दूंगा। और इसके बाद मैं इन दोनों को बनाऊंगा एक और क्लोन। कंट्रोल सी एफ को होल्ड रख के मैंने इसकी बनाई क्लोन कुछ इस तरह। दोबारा इसकी क्लोन और इसकी भी क्लोन। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा एक पोस्ट बनाई है। सबको सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करा। देन उसके बाद इस लोगों को सेलेक्ट करा थोड़ा और छोटा। जस्ट आप मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे दूसरे कोर्स का नाम लिखूंगा। दूसरा कोर्स मेरे पास क्या है, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग ESP.NET वेब डिजाइनिंग
इधर आके मैं लिखूंगा पीएचपी पीएचपी स्लैश माय माय एसक्यूएल देन सेकंड है मेरा फुल स्टैक डेवलपर डिजिटल मार्केटिंग और इधर से मैं वर्चुअल असिस्टेंट के बाद ये आगे मेरे सारे कोड्स इसको होल्ड रखते हुए अब बारी आती है इनकी कलर्स की। फर्स्ट मैं यहाँ पे दूंगा एक शेप जो कि मेरे पोस्ट का बैक होगा। 12 पिक्सल्स का मैंने पेज बनाया उसको मैं यहाँ पे आके अलाइन कर दूंगा अलाइन टू आर्टबोर्ड और उसके बाद यहाँ से कोई बिल्कुल कुछ लाइट कलर दूंगा फिलहाल और उसको सेंटर पैक कर दूंगा। सेंटर पैक करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं बहुत ही चीप लग रहा है। इधर आके मैं अप्लाई करता हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमारे पास 2 से 3 शेड का मिक्सचर होता है इस पर हम बहुत अलग अलग किस्म के ग्रेडियंट लगा सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करा एक थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा डार्क कुछ तरह के ग्रेडियंट बना दिया और यहाँ से इसको कर दूंगा मैं रेडियल। रेडियल करने के बाद ये मेरे पास ग्रेडियल स्लाइडर आ रहा है उसकी हेल्प से मैं कुछ इसको कुछ इस तरह से सेट करूंगा। बाकी ये डन है इसको मैं कंट्रोल टू से लॉक करता हूँ। अब ये मेरा रहता है शेप्स सिंपली इसको भी मैं देता हूँ ग्रेडियंट और इसको ये ग्रेडियंट नहीं इसको मैं थोड़ा सा लाइट टू डार्क और इसको जी प्रेस करके स्लाइडर आ गया मेरे पास और इसको कुछ इस तरह वाइट ठीक है। अब इन सब को मैं बारी बारी एक ही करके सेलेक्ट करके शिफ्ट की हेल्प से शिफ्ट को होल्ड करते हुए और उसको मैं देता हूँ व्हाइट कलर्स उसके बाद और ये जो एरो कीज है इनको भी मैं मैंने बोली एक एक को पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप का कलर इसके कलर को थोड़ा मैं चेंजेस देता हूँ। सॉलिड कलर ही बेहतर रहेगा पीरियड। अब आ जाती मेरे टेक्स्ट की। टेक्स्ट को भी मैं सबको पकड़ा कंट्रोल टी प्रेस करा यहां से मैं टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट चेंज हो गया इन शेप्स को पकड़ा दोबारा इनके हटाने इमेज स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स कर दिया मैंने 0 डन है। यार उसके बाद टैग जोन का लोगो दोबारा आएगा मेरे पास और इसको मैं यहाँ पे साइड पे रखूंगा। अब देखें ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल शेप बनाई और इसको मैं थोड़ा सा वाइट कलर दूंगा और इसको भेज दूंगा सेंटर बैक कुछ इस तरह और यहाँ से
इन चारों साइडों की जो बजाय मैं सिर्फ दो साइडों को कर्व करूंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करा यहां से और ये हो गया कर्व। बहुत ही इजी मेथड था। देन उसके बाद अब मेरे आते हैं फोन नंबर्स। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करा, जो टैग नेम का नंबर है वो यहाँ पे आके अपलोड करा और इसको दे दूंगा थोड़ा सा वाइट कलर। इसका फॉन्ट भी मैंने सेम वही वाला रखा। अच्छा, अब प्रेस करूंगा मैं कंट्रोल आर। कंट्रोल ऑल मेरा इसलिए कि जो भी मेरे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से बाहर ना जाए। डन है, बिल्कुल ठीक है। जिससे मैंने रूलर को एडजस्ट कर दिया। देन अब इनकी अलाइनमेंट और यहाँ से सेकंड एड्रेस। एड्रेस को मैं यहाँ पे लाके टी प्रेस करा, जस्ट एक क्लिक और कंट्रोल वी से कॉपी और यहाँ से वाइट कर दे दूंगा सिंपली। और इधर आके इसको मैं कर दूंगा यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज को कर दूंगा बड़ा। जितना साइज इसका है जैसे इसको मैं 36 देता हूँ और 36 ये भी। अच्छा, इस लोगों को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लगाऊंगा। नंबर्स को वहां पे लगा दिया और यहाँ से एड्रेस को मैं बिल्कुल सेंटर पे। क्लियर है? जन उसके बाद यहां से लोकेशन की पीएनजी उठा लूंगा। लोकेशन की पीएनजी बिल्कुल इसके अलाइन पे होनी चाहिए। डन है। थोड़ा सा इन दोनों कर देता हूं मैं ग्रुप। कंट्रोल जी को प्रेस करके मैंने इसको कर दिया ग्रुप। और आपको अगर एंड ग्रुप करना है तो राइट क्लिक करो यहाँ से एंड ग्रुप। देन उसके बाद यहाँ से इसको कर देंगे हम दोनों को अलाइन। यहाँ से व्हाट्सएप की पीएनजी उठाई और यहाँ पे अपलोड की और इसको मैं यहाँ पे सिंपली मैंने बहुत इजी मेथड से ये देखे इनकी अलाइनमेंट कर दी बाय रूलर। मेरी अलाइन के लिए बहुत हेल्प आता है इसलिए मैं रूलर को यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे आके रूलर को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डिलीट, रूलर डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से हम सबको हम डिलीट कर देते हैं। डन, ये मेरी पोस्ट यहाँ से तैयार है, बस इनकी अलाइनमेंट रहती है। बस इनको बिल्कुल सेंटर पर अलाइन करना है। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा यहाँ से मैंने इसको इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर दिया। डन। सो बस इसको मैं एडजस्ट कर दूं, बाकी ये मेरी पोस्ट डन है। बहुत ही इजी मेथड से और कोई मैंने इसमें एडवांस कमांड यूज़ नहीं की, ना कोई एडवांस टूल बड़ा करा यूज़ हमने इसमें। बिल्कुल इजी मेथड से हमने ये किए, सोशल मीडिया पोस्ट तैयार कर दी। थैंक यू।